फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग के अंतर्गत फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी आठवीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां आपको दो प्रकार की वैकेंसीज मिल जाएगी। एक वैकेंसीज आपको वॉचमैन की मिलेगी और इसके बाद एक वैकेंसीज आपको चपरासी की मिलेगी, यानी कि फोर्थ ग्रेड की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है आठवीं पास। यदि आप आठवीं पास हैं तो इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो बिना परीक्षा होगा, यानी कि किसी प्रकार की एग्जाम इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगी। हम आपको मेरिट बेसिस पे बताएंगे कि किस प्रकार आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले आपको बताया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न विद्यालय स्टाफ चयन हेतु, यानी कि जो ये वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जा रही है ये आपको बताएगी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जा रही है। इसमें ये बताया गया है कि विद्यालय स्टाफ चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु अनुमोद किया है। तो इसके लिए आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गया है तो कैसे इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको वैकेंसी या जो पोस्ट डिटेल्स बताई है वो चौकीदार और यहाँ चपरासी की आपको वैकेंसीज बताई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चौकीदार के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले बात की जाए चौकीदार की, तो अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष यदि है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, इसमें आपकी योग्यता रखी गई है आठवीं पास। यदि आप आठवीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चौकीदार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा वो आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो है नो एग्जाम, यानी कि बिना परीक्षा आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर आपको बताया गया है पद सेकंड आपको वैकेंसीज मिल रही है, यानी कि 2 नंबर की वैकेंसीज आपको मिल रही है चपरासी की। तो चपरासी में अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। अब 45 वर्ष तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ फिर आपको इसमें योग्यता संबंधी डिटेल्स बताई है, तो दोनों पोस्टों की सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझाया गया है तो कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण, यानी कि आपको इसमें 4 स्टेप जो बताए गए हैं और इसके बाद जो है आपका भारांक निकाला जाएगा। तो कैसे आपको इसमें गुणात्मक अंक मिलेंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त जो अंक है उनका प्रतिशत आपको कैसे मिलेगा वो डिटेल्स आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रतिशत है वो आप यहां देख सकते हो कितने प्रतिशत के आधार पे आपका इसमें वेटेज निकाला जाएगा। इसके बाद जो इंटरमीडिएट का है आपका प्रतिशत वेटेज निकाला जाएगा, ग्रेजुएशन का वेटेज निकाला जाएगा और प्रशिक्षण का वेटेज निकाला जाएगा, यानी कि जो टोटल वेटेज आएगा उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उन मेरिट के आधार पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ आपको इसमें आप कहेंगे कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आठवीं पास थी तो आठवीं पास के लिए कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो आठवीं का भी सेम प्रोसेस रखा गया है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें फिर आपको बताया गया है कैसे इसके लिए आवेदन करना है। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वे एक फॉर्म को 2 बार अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए 2 फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और एक लिफाफे के अंदर आप 2 फॉर्म डाल रहे हो तो दोनों आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप चपरासी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, चौकीदार के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, एक ही लिफाफे में आप फॉर्म डाल रहे हो, आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर आपको इसमें बताया एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी कि आपका कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ फ्रेंड्स, फिर आपको इसमें बताया पूर्वकालीन शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी चौकीदार का जो पद है वो पूर्णकालीन होगा और इन्हें विद्यालय परिसर में ही रहना होगा, यानी कि आपको स्कूल में ही रहना पड़ेगा। और इसी के साथ ये आपको इसमें बताया गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इसमें आपको फिर बताया गया आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे आपको सेंड करने हैं और इसमें 35 रुपीज़ का डाक टिकट आपको चपसा करना होगा, यानी कि ये डिटेल्स भी आपको यहाँ बताई गई है। और इसके साथ फ्रेंड्स, इसमें कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है वो डिटेल्स आपको बताइए। तो चौकीदार की आपको कितनी वैकेंसीज मिल रही है तो वो आप देख सकते हो, यहाँ चौकीदार को आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल रही है। तो यहाँ जनरल ओबीसी को अलग अलग वैकेंसीज बताई गई है, तो यहाँ जनरल को टोटल वैकेंसी 39 वैकेंसीज मिल रही है, 20 वैकेंसीज ओबीसी को मिल रही है, 14 वैकेंसीज एससी एसटी को और यहाँ आपको बताई गई है। तो आप देख सकते हो
चपरासी की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, यहाँ 5 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, दो दो एक वैकेंसीज आपको चपरासी की मिल रही है, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सब आप देख सकते हो सभी पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 8वीं पास है, और इसके साथ आपको इसमें वेतन दिया जाएगा जिला स्तर, जिला कलेक्ट्रेट के आधार पर आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। तो आपका प्रारंभिक वेतन 5,750 रुपये रहेगा इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो आप ये डिटेल्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का प्रकाशित हुआ तो वो डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा तो www.mirzapur.nic.in पे आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन कहाँ से प्रकाशित हुआ है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ये नोटिफिकेशन है, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है, कब ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ, कितने आपको इसमें बताया गया है कि कार्य आपसे करवाए जाएंगे, और इसी के साथ इसमें आपको मानदेय प्रति माह कितना मानदेय मिलेगा वो कंप्लीट जानकारी आपको इसमें बताई गई है। और इसमें फिर आपको बताइए, इसमें 1 अप्रैल 2021 से आयु की गणना की जाएगी, और ये जो वैकेंसीज है 21 और 22 की जो स्टाफ है उनके लिए वैकेंसीज है, और इसी के साथ 30 मार्च 2022 तक आपको इसमें काम में रखा जाएगा, इसके बाद जो है आपका पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा।